कितने नरसंहार हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में, क्या हो रहा है योगी की सरकार में। उत्तर प्रदेश के गवर्नर चुप है, केंद्र की सरकार चुप है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में नरसंहारों की बाढ़ आ गई है। अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, फ्रेम में किसी और का कैमरा, कोई और माइक नहीं आना चाहिए, ठीक है, भले मुझ पे आ जाना। और समाजवादी पार्टी के जो नेताओं कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, समाजवादी पार्टी कतई किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगी और विधानसभा से लेकर सड़क तक असेंबली का पहला दिन है। लेकिन भैया के भैया के समाजवादी पार्टी के जो नेता है वो योगी सरकार के खिलाफ खड़े हो गए हैं। उनके हाथों में जो बैनर है, जो पोस्टर्स हैं, वो साफ दिखा रहे हैं लगातार कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर के बाकी लोग इकट्ठा हो रहे हैं। ठीक सामने नारे को आप सुन सकते हैं और कानून व्यवस्था को लेकर कानून व्यवस्था के नरेश समूह से बात समाजवादी पार्टी के इन लोगों की लेकर के है। इसके अलावा जो है अरे टच किए गए उन तमाम चीजों को भी वापस ले जाने की तार फंसा रहे लाइफ का विधानसभा का आज जो सत्र है और निधन के प्रभाव के बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन विधान परिषद की उम्मीद है कार्रवाई चलेगी शरद भाई जरा ये तार इससे जुड़ा नीला ला बस घसीटना नहीं की ये सरकार भयग्रस्त है, नरसंहार हो रहे हैं, पुलिस की हत्याएं हो रही हैं, जेल में हत्याएं हो रही हैं, नारे लूट और डकैतियां पड़ रही हैं, भाई सरकार चुप बैठी है और यहाँ पे उत्तर प्रदेश के गवर्नर भी चुप बैठे हैं। समाजवादी पार्टी अब बर्दाश्त नहीं करेगी और पार्टी के जिस तरीके का आंदोलन हो रहा है वो भी बलात्कार हो रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो रही हैं, जो भी लूट हो रही है। इसमें देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार में शामिल लोग ही इन सभी कुकर्मों में शामिल हैं। जब सरकार ही नरसंहार हत्या बलात्कार कराने में व्यस्त हो तो ऐसी सरकार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए और महामहिम गवर्नर साहब को भी आरएसएस का चश्मा उतार करके देखना चाहिए। कुंभकर्ण वाली नींद जो सो रहे हैं वो अब उनको जग जाना चाहिए। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।